अभी हम सीखेंगे, हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था? दहाई सैकड़ा। यस, तो आप सबको पता है एक इकाई मतलब कितना, दहाई मतलब क्या, सैकड़ा मतलब क्या। तो अभी हम उसकी एक मिसाल हल करेंगे। हाँ। इकाई और दहाई, ठीक है। तो ये कितने हैं? पाँच। और ये? तीन। और ये? सात। और ये? एक। एक। तो अभी हम ये दोनों मिलाकर इसको क्या कहेंगे हम? पैतीस। पैतीस। पैतीस को हम 17 में से तफरीक करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये कितनी इकाइयाँ हो गई है? पाँच। ये कितनी इकाई है? पाँच। तो हम इसको वैसे रखते हैं, पांच इकाई को इधर ये करो, इधर कितनी इकाई आएंगी? यहाँ पे टोटल कितनी इकाई आएंगी हमारी? पाँच। इकाई में। यस, ये कितनी इकाई हो गई हमारी? पांच। पांच इकाइयां, ठीक है। और दहाई के मुकाम पर कितने हैं? ये कितने हैं? तीन। कितने हैं? तीन। तीन मतलब कितना? ये कौन से मुकाम पर है? तीन दहाई। दहाई के मुकाम पर। तो तीन दहाई मतलब कितना हमने पिछले वीडियो में सीखा था? तीस। तो हम ये कितने का हमारा एक गट्ठा है? दस। दस। तो हम इसको कितने गट्ठे रखने पड़ेंगे कि तीन दहाई बनेगा? तीन। एक तीन गट्ठे हमको इधर रखने पड़ेंगे। तो ये कितने हुए हैं? तीस हुए हमारे। और इधर के हमारी पांच इकाइयां, ठीक है। तो अभी हमको पांच, पांच में से कितने माइनस करने हैं? सात माइनस करने हैं। तो पांच में से सात माइनस होते हैं, तो हम क्या करेंगे? उस बाजू से एक लेंगे। यहाँ पे जो हमारी तीन दहाइयां है, इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा? एक दहाई को खोलकर इकाई को देना पड़ेगा। तो हम ये जो दो दहाई के हमारे पास गट्ठे हैं, इसको हम वैसे के वैसे रखेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा दहाई का एक गट्ठा है, इसको हम ऐसे खोलेंगे, तो ये कितने बनेंगे हमारे पास? खोलने के बाद कितने हमारे पास इकाइयां हुई? 29। इकाइयां कितनी हुई हमारे पास? ये पूरी, ये कितनी इकाई है गिनो? 10। हाँ, एक एक दहाई में कितने इकाइयां होती है? एक दहाई में? हाँ, 10 इकाइयां होती है। तो हमने क्या किया, अभी एक दहाई के गट्ठे को खोला। हाँ। तो इसमें कितनी इकाइयां हो गई हमारे पास? 10, ठीक है। 10 दहाइयां हुई, तो हमारे पास दहाई में कितने बचे? दो। और ये जो एक पूरा दहाई का हमारा खुलने के बाद इकाई के पास चला गया, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये 10 जो हमने इधर से खोलकर इकाई को दिए, ठीक है। और ये पांच कितने हो गए? टोटल कितने हुए? इधर से 10 पांच के पास आ गए, पांच को दे दिया हमने, ठीक है। तो पांच में हम यहाँ से क्या किया, हमने एक गट्ठा खोल दिया, तीन में से एक गट्ठा खोल दिया हमने। तो यहाँ पे कितने बचे हमारे पास? दो, ठीक है। और यहाँ का जो एक गट्ठा है पूरा किधर गया हमारे पास? इधर। तो इसमें हमने ये कितने हो गए हमारे? पांच में 10 मिलाएंगे तो कितने होंगे? 15। तो ये हो गए हमारे पूरे 15। तो अभी हम 15 में से 7 माइनस कर सकते हैं। हाँ। 15 में से 7 माइनस करो, कितने होते हैं? 15 में से 7 माइनस 8 बचते। आप बोलो जकी। 8 बचते। हाँ। बराबर। तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास अभी ये एक दहाई इधर जाने की वजह से कितना बचा था हमारे पास? सिर्फ दो दहाइयां बची। तो इसमें हमने कितना माइनस, दो में से एक गया, एक तफरीक करने पर कितने बचा हमारे पास? एक। तो जो हमारा कुल जवाब आया वो कितना आया? 18। 35 में से हमने जब 17 तफरीक किया तो 18 आया। तो हमने जब पांच में से सात नहीं जा रहा था, तो हमने क्या किया, दहाई के मुकाम पर से हमने एक लिया, ठीक है। समझ आई आपको? ये दो दहाई, दो हिंसों की हमने हासिल वाली तफरीक सीखी है, ठीक है। ओके।